हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुपर वास्मोल हेयर डाई पाउडर के बारे में बताऊंगी। आज दिन तक मैंने लिक्विड के बारे में आपको बताया और कलर करके दिखाया। तो ये फ्रेंड पाउडर है, ये सुपर वास्मोल का काली मेहंदी है। इसको कैसे घोलना है, इसको कैसे लगाना है, मैं सब कुछ बताऊँगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, साथ ही साथ इसके प्राइस भी बताऊँगी और इसको कैसे लगाना है, क्या करना है, टोटल मेंशन करूँगी इस वीडियो में। थोड़ा टाइम दीजिए आप हमें। तो फ्रेंड, सबसे पहले जानते हैं ये है क्या। ये जो है फ्रेंड, ये हर्बल मेहंदी बेस डाई है और सुपर वास्मोल मेहंदी का ही ये प्रोडक्ट है। सुपर वास्मोल का ही प्रोडक्ट है, सुपर वास्मोल 33 का ये काली मेहंदी है। और ये जो है फ्रेंड, इसको हम पानी के साथ घोलेंगे। कितनों ने मुझे मैसेज किया कमेंट बॉक्स में, इसके पहले भी मैं इसका वीडियो डाली हूँ, उसमें मैं लगा के नहीं दिखाई थी, घोल के नहीं दिखा पाई थी, सिर्फ रिव्यू की थी। तो फ्रेंड, इसको जो है आप जैसे इसको मतलब जैसे मेहंदी घोलते हो ना, बिल्कुल मेहंदी उसी तरह से घोल के इसको लगाना है। और ये जो शैम्पू साथ में दिया हुआ है ना, ये जो शैम्पू है फ्रेंड, ये आपको बाल धोने के लिए दिया गया है, ना कि इसमें मिलाने के लिए दिया गया है। ये आफ्टर वॉश है ताकि आपके बालों का कलर अच्छा से बना रहे। आप पहले अच्छे से शैम्पू से वॉश करके बालों पे कलर अप्लाई कीजिए, फिर कलर अप्लाई करने के बाद आप इसी शैम्पू से बाल को धोएंगे तो कलर जो है वो आपका लंबे समय तक टिका रहेगा और आपके बालों का कलर ज़्यादा नहीं जाएगा। और फिर मैं एक बात और बोलूँगी, ये जो शैम्पू है, ये शैम्पू आपको सुपर वास्मोल के अंदर ही दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड, ये अब मैं सुपर वास्मोल मेहंदी को घोलती हूँ। घोलने के बाद फ्रेंड कैसे अप्लाई करना है बालों पे, मैं वो भी दिखाई हूँ, ज़रूर देख लीजिएगा उसको भी। तो सबसे पहले ये देखिए, ये मेहंदी है, एक सर के हिसाब से आपके बालों के लेंथ के हिसाब से, ये मीडियम लेंथ वाले के लिए यानी कि मीडियम बाल वालों के लिए ये ठीक ठाक है, आप अच्छे से आराम से लगा सकते हो। सबसे पहले घोलने में फ्रेंड इसमें बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। जैसे में आप जैसे इसको डालोगे, थोड़ा सा पानी अगर डालोगे तो तुरंत ये ठीक होने लगता है। और ये जो है फ्रेंड, ये हर्बल प्रोडक्ट है, नो अमोनिया। और इसको आप कलर अगर करते हैं, अगर आप पे सुपर वास्मोल लिक्विड वाला ऑयल बेस्ड हेयर कलर का जो अगर नहीं आता है आपके बालों पे, तो आप सुपर वास्मोल का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। जिस तरह से ये पाउडर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल ड्राई है। इसको मैं घोल के दिखाऊँगी अभी आपको। तो फ्रेंड, इसको घोलना कैसे है, बहुत परेशानी होती है लोगों को, क्योंकि उसके बालों पे अगर कलर नहीं आता तो वो परेशान रहते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपने इस हेयर डाई को लगाया अपने सर पर तो एक बार में कलर आता है। तो फ्रेंड, करना क्या है आपको सुपर वास्मोल से, आप जब भी कलर करते हो तो आपको ब्रश की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने दो तरह का ब्रश लिया है, एक दांत वाला ब्रश लिया और एक बालों में लगाने वाला ब्रश लिया। लेकिन यहाँ पर मैं अगर बालों में लगाने वाले ब्रश को यूज़ करूँगी तो फ्रेंड वो जितनी सी मेहंदी की क्वांटिटी है टोटल लगाने वाले ब्रश में ही आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए मैं दांत वाले ब्रश को यूज़ कर रही हूँ और ये घोलने के भी काम में आती है और साथ ही साथ फ्रेंड बालों के कोने कोने को ये कलर कर देता है। ठीक है, कान के पास का जो बाल होता है वो आराम से इस ब्रश से कलर हो जाता है। ठीक है, अगर फ्रेंड आपको सूट करता है या नहीं करता है, आप इसको थोड़ा सा पैच टेस्ट भी कर सकते हो इसका। जैसे मैं देखिए, डायरेक्ट इसे अप्लाई मत कीजिए क्योंकि फ्रेंड कितने को रिएक्शन भी हो जाता है, मतलब सूट नहीं करता है। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, देखिए यहाँ पर मैं पानी दे दे के घोल रही हूँ, आपको भी बिल्कुल इसी तरह से घोलना है। फिर मत बोलना कि आपने क्या बता दिया, मेरा कलर नहीं आया। बिल्कुल आपको जिस तरह से कंसिस्टेंसी मैं बता रही हूँ, आपको उसी तरह की कंसिस्टेंसी करनी है, देख लीजिए। और उसके बाद फ्रेंड मैं बता रही थी आपको कि इसका पैच टेस्ट, इसका पैच टेस्ट फ्रेंड सबसे पहले आपको कानों के पीछे इसको थोड़ा सा घोल करके लगा लीजिए। अगर आपके आपको किसी तरह का रिएक्शन हो जा होगा, अगर रिएक्शन होता है तो फ्रेंड आपके आँखों में सूजन आ जाएगी और आपका जो कान के पीछे वाला एरिया है जहाँ पर आपने लगाया है वहाँ पर खुजलाहट होने लगेगी और आपको थोड़ी थोड़ी जलन होने लगेगी। अगर सूट नहीं कर रहा है तो, अगर सूट आपको कर जाता है तो इस तरह की परेशानी आपको नहीं होगी, नॉर्मली आप जिस तरह हो बिल्कुल आप उसी तरह रहोगे।
तो फ्रेंड इस तरह का आप टेस्ट सबसे पहले कि और टेस्ट कब करना है, तो टेस्ट फ्रेंड इसको लगाने के 48 घंटे पहले करना है आपको, यानी कि 48 आवर्स पहले करना है इसको लगाने के, अप्लाई करने के पहले। अगर ये सब सिम्टम आपको बॉडी में नज़र आ रहा है तो आप इसे यूज़ मत कीजिए, क्योंकि हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती है, ठीक है। और मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर सुपर वास्मोल लिक्विड वाला कलर आपके बालों पर नहीं आता है तो ये कलर आपके बालों पे ज़रूर आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, ठीक है। और करना क्या है फ्रेंड, इसको आपको इस तरह से घोल लेना है। घोलने के बाद इसे 5 मिनट के लिए थोड़ा सा सेट होने के लिए इसको रख दीजिए, क्योंकि इसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, 5 मिनट के लिए, जिस क्योंकि ये फ्रेंड मेहंदी है, अब मेहंदी को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। कोई भी क्यूरीज है आप मेरे कमेंट बॉक्स में भेजिए, जा पूछिए हमसे, मैं बताती हूँ, सबको बताती हूँ मैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया, उसके बाद बालों को मैं अच्छी तरह से कॉम कर लूँ, यानी कि कंघी कर लूँगी, उसके बाद अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड मेरे बाल सफ़ेद नहीं है, लेकिन मैं बालों पे आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैं पूरे बालों पे अप्लाई नहीं करूँगी, और आपको भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए जो बाल सफ़ेद होते हैं उस पर ही लगाइएगा तो ही कलर अच्छे से आता है। और अगर आप ब्लैक का बालों पे लगा देते हो, देखिए इस तरह से ही अप्लाई करना है, ब्लैक बालों पे लगाने के बाद बालों का जो कलर है वो जेड ब्लैक हो जाता है, अच्छा नहीं लगता उतना डार्क ब्लैक। तो फ्रेंड अब मैं पहले आगे से अप्लाई करके दिखा रही हूँ, फिर कंघी करते जाना है आपको, जिस तरह से यहाँ पे कंघी हो रहा है उस तरह से आपको पहले कंघी करते जाना है। और कंघी करने के बाद फ्रेंड ये जो कंघी है बालों को अच्छी तरह से मतलब कलर करने में मदद करता है। तो देखिए ये आगे के बालों को इस तरह से अप्लाई करना है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगा करके इस तरह से कंघी करते जाना है। और फिर ये जो मेहंदी है इसको लगा के कम आधे घंटे के लिए छोड़िए, उसके बाद बालों को अच्छे शैम्पू से, जो शैम्पू दिया गया उससे